This is Pro Rider. नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं मॉनेस्ट्री, मॉनेस्ट्री जाके देखते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइस, जो हम रात को आए थे यहाँ पे, तो बस छोटा सा सिटी में गए, एक दो चक्कर मारे और आ गए, क्योंकि हमें डिनर करना था, इसीलिए हम लोग गए थे। तो आज जो हम लोग निकलेंगे सिटी में, जो रोप वे करने के लिए, और भी देखते हैं, और भी कुछ अगर है तो मॉनेस्ट्री वगैरह देखेंगे आपको। जैसे कि कल वीडियो में मैंने एक छोटा सा क्लिप दिखाया था मॉनेस्ट्री, वो सब मॉनेस्ट्री जाएंगे, जाके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। एंड अभी तो यहाँ थोड़ा रेनकोट वगैरह का पैकिंग चल रहा है, क्योंकि बारिश यहाँ कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं, बता नहीं सकते कि बारिश का क्या ठिकाना है। जैसे शिलोंग का वेदर है, यहाँ भी वही सेम ही है, पर थोड़ा हल्का सा शिलोंग से ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। तो रेनकोट वगैरह डाल लेते हैं अच्छे से पैक होके। बाइक हम लोग कितना लेके जा रहे हैं? दो ही बाइक लेके जाएंगे, एक यहीं रहेगी। तो दो बाइक में जाते हैं, जाके आगे मिलते हैं आप लोग से। चलो गाइस, चलते हैं, थोड़ा बाइक को कोल्ड स्टार्ट देते हैं। ऑलरेडी कोल्ड स्टार्ट दे रहे होंगे मेरे दोस्त, वो नीचे जा चुके हैं, तो हम भी जाते हैं रूम वूम बंद करके, और कुछ भूला या नहीं भूला वो देख लेते हैं। चलो, पहुंच गए हम बेसमेंट में, यहाँ बाइकों को कोल्ड स्टार्ट दे रहे हैं हम। ये चेक करो गाइस, आज हम लेके जाएंगे एक्सपोर्ट होगी एमटी। तो चलो गाइस, हम चलते हैं, निकलते हैं। सबसे पहले तो जाके हम कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं उठ के, बस थोड़ा बहुत पानी पिए। यहाँ के जो सिटीजन है ना गाइस, ये भी बहुत क्या बोलते उसको, रूल का पालन करते हैं। जो अगर कोई बंदा यहाँ पे हेलमेट वगैरह नहीं पहना हो तो ये खुद ही पुलिस के हवाले कर देते हैं, इसीलिए हेलमेट वगैरह पहनो ड्यूटी में जाओ। तो रोड देख रहे हो गाइस, ऐसा भयानक भयानक वहाँ पे टर्निंग है। ये गया हमारा डोरेमोन बाबू। ओहो, दिस इज प्रो राइडर। टर्निंग देख रहे हो गाइस, बहुत भयानक टर्निंग है यार यहाँ पे। तो आज तो पूरा फुल है यार। यहाँ का जो सब्जी मंडी है ना, बहुत सॉलिड गाइस है यार, यहाँ खाली सब्जी मिलता है। ये चेक करो, पीछे पूरा एक ही लाइन पूरा सब्जी बाजार है, और ये इसको लाल बाजार बोलते हैं। आगे देखते हैं, हम लोगों को एक्चुअली क्रॉक्स लेना था, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं है बाइक चलाना चप्पल पहन के, और राइडिंग बूट जो है वो भीग गया है, तो क्रॉक्स ले लेते हैं, क्रॉक्स लेके बाइक चलवाते हैं। ये देखो गाइस, ऐसा बाजार। तो गाइस ले लिया हमने, हमें जो क्रॉक्स लेना था, ये चेक करो गाइस, हम तीन भाई तीन क्रॉक्स। ये जो मैंने पहले सब्जी मंडी के बारे में बताया था, ये चेक करो गाइस, पूरी ये एक लाइन ही पूरा सब्जी मंडी है। इसके ऊपर आपको कपड़ा बर्तन और भी क्या क्या है, बहुत सारा, बिग बाजार जैसा, बड़ा बाजार का जैसा मार्केट है। चलो इससे पहले कि लेट हो जाए, जाके कुछ खा पी लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो गाइस, हमें मिल गया एक अच्छा जगह ब्रेकफास्ट करने के लिए, हमने ऑर्डर की मोमो और छाव, एंड मानो गाइस क्या ही बेहतरीन मोमो बनाई इसमें, वेज मोमो बट वेरी डिलीशियस, क्या ही तगड़ा मोमो बनाया है इन्होंने। लो खा लेते हैं पहले, फिर बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच गए हैं रोपे करने के लिए,
आगे जाके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा हमारा रोपवे करने का। और ये हमारे पीछे आप देख रहे हो गेट ट्रेवलॉजी का, अरे क्या है ये, हाँ कैपिटोलॉजी, उसका गेट है ये, यहाँ से ऊपर जाता है और रोपवे हमें यहाँ मिलेगा आगे। अभी जाते हैं, देख रहे हो गाइस ऊपर रोपवे हो रहा है। गाइस पहुँच गए हम टिकट काउंटर, ये रहा रोपवे का टिकट काउंटर। तो गाइस हियर वी आर नाउ, टिकट पड़ा है हमें 130 का एंड हम पहुँच चुके हैं यहाँ रोपवे करने के लिए। तो गाइस चलो हम जाके बैठते हैं अंदर। ओ फिर तो मिनी बस का फीलिंग नहीं दे रहा है। तो गाइस ले लिया हमने रोपवे का राइड एंड अंदर बहुत क्राउडेड था, बहुत पब्लिक डाल रखे थे उन्होंने। तो हम लोगों ने जो टिकट लिया और रोपवे का राइड लिया वो एक्चुअली राइड का मज़ा लेने के लिए नहीं, एक्चुअली वो फुटेज था। इसमें जो सबसे अच्छा लगा हमें वो फुटेज था, पूरा ड्रोन शूट का फुटेज मिला, जैसे ऐसा लगा कि ड्रोन शूट का फुटेज है। तो एक्सपीरियंस वंडरफुल एक्सपीरियंस था, ऐसा लगा ऊपर से पूरा व्यू देख रहे हैं ऊपर से बैठ के, मस्त एक्सपीरियंस था। आप लोगों को कैसा लगा वो? अच्छा लगा उनको, बस अच्छा ही लगा, हमें तो बहुत मजा आया। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं मॉनेस्ट्री, मॉनेस्ट्री जाके देखते हैं यहाँ का मॉनेस्ट्री कैसा है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं मॉनेस्ट्री और यहाँ मॉनेस्ट्री में आने के लिए भी टिकट लगता है। ये चेक करो गाइस, टिकट ले ली हमने, टिकट लेके जाके अंदर घुसते हैं। ये रहा वेलकम म्यूजियम है, और ये म्यूजियम है, फाइन 500 रुपये भी है भैया, तो बी केयरफुल वरना फाइन लग जाएगा ना। तो जिस तरीके से चालान का दुख लगता है उसी तरह इसका भी दुख लगेगा। तो गाइस हम म्यूजियम तो जाके आ गए, ये वाला म्यूजियम जाके आके, बट यहाँ अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउ है नहीं, इसलिए कुछ ले नहीं पाए, रेस्ट्रिक्शन है थोड़ा। ये इसका इलाका है, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको मॉनेस्ट्री मिलेगी। जाते हैं आगे मॉनेस्ट्री देखते हैं मॉनेस्ट्री कैसी है, वहाँ भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है या नहीं वो भी देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अब मॉनेस्ट्री की तरफ, जो कि म्यूज़ियम से थोड़ा ही दूर है, 5 मीटर पकड़ लो। ये सीढ़ी चढ़ के आना है, देख रहे हो गाइस, जाते हैं और थोड़ा ऊपर। ये पहुंच चुके हैं हम ऑलमोस्ट मॉनेस्ट्री, ऑलमोस्ट क्या पूरे ही पहुंच गए, ज़्यादा नहीं 500 मीटर का दूरी है म्यूज़ियम से। ये तरफ ब्लॉक बना देता तो पैदल ही डिस्टेंस कवर कर लिया हमने। वो बारिश भी आ गया यार, हाँ बारिश में ब्लॉग बनाएगा, बारिश में ब्लॉग बनाएगा हम लोग। ओके आप तो बनाएंगे। वाटरफॉल्स इधर नहीं है और यहाँ पे खत्म ना, यहाँ से रोड खत्म।
गाइस हम पहुंच चुके हैं बंजार की वाटरफॉल्स। यहाँ पे मस्त व्यू है। इन लोगों ने टूरिस्ट के लिए सिस्टम भी बहुत अच्छा बना रखा है। ये एक्चुअली पूरा प्लान करके बनाए हुए हैं पूरा टूरिस्ट के लिए, बैठना खाना पीना सब, मतलब आप समझ रहे हो क्या सिस्टमेटिक किया इन्होंने। आप ऊपर से देख सकते हो पूरा व्यू। आते हैं गाइस, अगर ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ वाटरफॉल कुछ खास नहीं लगा मेरे को, लेकिन ये जो बना कर रखे इन्होंने टूरिस्ट के लिए वो बहुत बढ़िया है। शायद गलत ओपिनियन था इस वाटरफॉल को लेके, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा वो नीचे से देखा, इसीलिए छोटा मोटा दिखा। तो एक रूट मिला है ये वाला, यहाँ से जाके देखते कितने ऊपर तक जाता है ये। गाइस मैं पहले सोचा बंजारकी इसका वाटरफॉल का नाम है, बट एक्चुअली में ये है नहीं बंजारकी। ये जो आप देख रहे हो यहाँ का, ये कुछ एक लोकल ट्राइब है, तो ये है एक्चुअल बंजारकी। मतलब आगे दिखाते हैं इसका कुछ स्पॉट तो होएगा। हाँ ये है यहाँ का लोकल ट्राइब बंजारकी। ये यहाँ का लोकल ट्राइब है, इसी को बंजारकी कहा जाता है, इसीलिए ये बंजारकी के नाम से फेमस है। चलो और तो मेरे ख्याल से आगे है नहीं, डेड एंड है, एग्जिट है, एग्जिट है। चलो हम लोग जाता है आगे, देखते हैं अगर कुछ चाय होगा तो पीता है। तो गाइस जैसे जैसे हम लोगों ने एग्जिट करने का सोचा, वैसे वैसे कुछ नया नया दिखते गया। अब हमें यहाँ दिखा एक नया स्विमिंग पूल। ये चेक करो गाइस पीछे स्विमिंग पूल देख रहे हो, देखते हैं वहाँ जाके। वैसे स्विमिंग तो कर नहीं सकते, कुछ लाए भी नहीं है। सो गाइस एक थ्रिल वाली राइड करके हम पहुंच गए वापस अपने रूम। थ्रिल वाली राइड की कंडीशन दिखाएं आपको, बैग का हम लोग का ये थ्रिल वाली कंडीशन देखो, देख रहे हो गाइस, ये थी थ्रिल वाली राइड। और उसका कपड़ा कपड़ा का धज्जिया उड़ गया पूरा, फिर हम लोग गीले हो गए। अब फिर कपड़ा सुखाते हैं, सुखा के फिर निकलेंगे हम लोग। तो गाइस आज का जो हमारा ब्लॉग था, हमने सारी जगह गए और जाके आ गए, अभी आके रूम में पहुंचे। हम थोड़ा फैशन अप हो लेते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलना, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। कल हम लोग ये रूम से चेकआउट करेंगे, चेकआउट करने के बाद हम लोग साउथ सिक्किम जा रहे हैं, तो वहाँ जाके स्टे करेंगे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा वहाँ है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राइड सेफ।